हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेस। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हो गई 1 अप्रैल और आज हम आपके लिए 1 अप्रैल से स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके 10 तक मैथ का सॉल्यूशन, जो हम आपको उसमें प्लेलिस्ट के अंदर आपको एनसीईआरटी के मैथ का पूरी बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा कक्षा 6 से लेके 10वीं तक। और आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली है, पहली पृष्ठ, संख्याओं की जानकारी। क्या है संख्याओं की जानकारी? पहला चैप्टर अपना कक्षा 6 का एनसीईआरटी का संख्याओं की जानकारी। आज हम संख्याओं की जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अंक, अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अंक होते, इन्हीं 10 अंकों से संख्या का निर्माण होता है। जैसे 23, ये 23 क्या है? 23 एक संख्या है। अब इसमें अंकों से, जैसे 2 और 3 अंकों से किसका निर्माण हुआ? संख्या का। किसका निर्माण हुआ? संख्या का। और संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। अब आपसे पूछे सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 0। और आपसे पूछे सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। कौन सा है? 9। फिर इसके बाद में हम सारणी देखते, 1 इकाई, 2.5, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये तो होती है किसमें? भारतीय संख्या पद्धति। क्या? भारतीय संख्या पद्धति। फिर दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, कौन कौन से? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार। अब देखो इसमें भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार तक सेम रहता है। उसके बाद में यहाँ पे होता है लाख, तो इसमें होता है 100 हजार। क्या होता है? 100 हजार। क्या होता है? 100 हजार। फिर उसके बाद में 10 लाख में होता है मिलियन। 10 लाख में क्या होता है? मिलियन। और करोड़ में होता है 10 मिलियन। कितना होता है? 10 मिलियन। फिर बाद में 10 करोड़ में होता है 100 मिलियन।
क्या होता है? 100 मिलियन, और अरब, अरब में होता है बिलियन, क्या होता है? बिलियन। समझ में आ गई बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अब देखो उसमें 10,000 तक सेम रहता है, उसके बाद में भारतीय संख्या पद्धति के अंदर लाख के अंदर, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर 100,000 होता है, उसमें 10 लाख में मिलियन बोलते हैं, और करोड़ में 10 करोड़ वाले को 10 मिलियन, और 10 करोड़ वाले को 100 मिलियन, और अरब वाले को बिलियन। समझ में आ गए? इसमें 10 की घात 0 बराबर 1, किसी की भी घात यदि 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है? हमेशा 1। इसमें 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। समझ में आ गया बच्चों? अब इसमें 1 और 10, फिर इसमें कितनी जीरो आएगी? इसमें 2 जीरो आएगी, कितनी आएगी? 2 जीरो। फिर इसमें 3 जीरो, इसमें 4 जीरो, इसमें 5 जीरो, इसमें 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 जीरो, और इसमें 8 जीरो, 7 8, और इसमें 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ में आ गए बच्चों कि भारतीय संख्या पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अब इसमें इकाई में 1 यानी इसमें 0 नहीं होता, और हमेशा ये 10 गुना होता है, क्या होता है? हमेशा 10 गुना। देखो 10 गुना बढ़ रहा है यहाँ पे, 1 से 10 से गुणा किया तो कितना आया? 10। 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 100। 100 को 10 से गुणा किया तो यहाँ पे किससे गुणा हो रहा है? 10 से गुणा। तो इसमें हर एक दूसरा क्या हो रहा है? 10 से गुणा हो रहा है। समझ आ गए बच्चों? देखो भारतीय संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले 1 2 3, उसके बाद में कोमा, फिर 2, फिर उसके बाद में कोमा, फिर 2, इसके बाद में कोमा, फर्स्ट पे 3 के बाद में कोमा, फिर बाद में 2 2 चलता है। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अंदर 1 2 3 फिर कोमा, 1 2 3 फिर कोमा, 1 2 3 फिर कोमा, ऐसे चलता है इसमें। समझ में आ गई? जैसे अब इसको पढ़ते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 24,24,327। हाँ अब इसमें पढ़ते, अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक सेम हो गया ठीक है ना, फिर 10,000 के बाद में 100,000, 100,000 के बाद में मिलियन, मिलियन के बाद में 10 मिलियन, क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। तो क्या हो जाएगा? 25 मिलियन, क्या हो जाएगा? 25,623,000, क्या पढ़ेंगे इसको? 25,623,424। समझ में आ गया? इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24,24,327। नीचे वाले को पढ़ेंगे 625,623,423। यही है इसमें अंतर। और
कक्षा छह की प्रश्न प्रश्नावली है संख्याओं की जानकारी। आज हम इनका बेसिक सीखे हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। क्या करेंगे, कौन सी प्रश्नावली 1.1, और ये एनसीईआरटी का सिलेबस है। और कक्षा छह से लेके 10 तक आपको हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में मिलती रहेगी। दोस्तों आज हमारा क्लास का पहला दिन था, और आज से हमारी क्लासें कंटिन्यू चलेगी, और आप हमारे यूट्यूब पे बने रहिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया हमारी क्लास से, तो हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का चिन्ह जरूर दबाएं, जिससे हमारी आपको नए अपडेट पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।